वीडियोस राइटिंग पोजीशन पे थे और मैंने ये चैप्टर पकड़ा है मैथ्स का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट ईयर भी ये चैप्टर आप लोगों को था, मतलब लास्ट ईयर के सिलेबस में भी था, तो ये 4 मार्क्स के लिए था और इस चैप्टर में से ठीक है सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है ठीक है, लेकिन चार एक ही क्वेश्चन 4 मार्क का और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। और सबसे मेन बात फायदा क्या है इस चैप्टर का, इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का, कि एक ही फॉर्मूला पे ये पूरा एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन एक फॉर्मूला ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, याद है, और हम इसको मार्क करते थे पीस। तो उस फॉर्मूला को वापस क्लियर कर लें ठीक है, फॉर्मूला ठीक है। देखो उसके अंदर 2 पार्ट है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ठीक है। और अब इस चैप्टर के अंदर इस पार्ट को हम भूल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज परम्यूटेशन, और हम सिर्फ याद रखेंगे इस पार्ट को, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। और इसको हम किससे लर्न कर लेते हैं, सी से। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एमसीआर, राइट, ऐसी रिप्रेजेंटेशन था 11th स्टैंडर्ड में, मतलब एमसीआर का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल ठीक है। तो अब इसको एक सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5C2 ठीक है। तो क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, मतलब क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ नंबर एक्सपैंड करता है, तो 5 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 1, और ये 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 into 1, तो 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1 कैंसिल, ये 10 कैंसिल, तो 5 2 0 कितना हो गया 10। ये जस्ट मैंने 11th स्टैंडर्ड तक तुम्हें कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन निकाला जाता है, और मैंने इसलिए रिवाइज कराया क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन निकालने वाले हैं ठीक है, और कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए मैंने इस तरीके का बोर्ड यूज किया ओके। तो ये ध्यान दो, ये है हमारा कॉम्बिनेशन का पार्ट। तो अब हम इस चैप्टर पे लौट गए, ये मैंने तुम्हें 11th स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तुम्हें रिवाइज कराया है। अब 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से एक और छोटा सा पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज बर्मुडास ट्रायंगल ठीक है, ये तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए फिलहाल काफी यूज होने वाला है और इस चैप्टर के लिए यूज होने वाला है। अब ये बर्मुडास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने बुक को थोड़ा सा लैंडस्केप पोजीशन पे रखो, पोर्ट्रेट पोजीशन पे नहीं, ऐसा नहीं, लैंडस्केप पोजीशन पे नोट करो ठीक है। तो कैसे करेंगे इस? तो ये तुम्हारे कुछ सी के वैल्यूज तक निकाल के देगा ठीक है। ये पूरा मैं 11th के पूरे फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूं मैं। तो बर्मुडा ट्रायंगल में सबसे पहले हम लिखेंगे 1 और उसके बाद लिखेंगे 1 to 1 ठीक है, समझा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा 1 और 1 to 1। फिर इसको ऐड करो, ये 2+1 कितना दे रहा है मेरे को 3, ये 2+1 कितना दे रहा है मेरे को 3, और उसके बाद सराउंड करो 1 के साथ ठीक है। फिर इसको ऐड करो, बनेगा कितना 4, ये बनेगा 6, ये बनेगा 4, सराउंड करो 1 के साथ। फिर इसको ऐड करो 5 10 10 5, फिर सराउंड करो 1 के साथ। फिर ऐड करो 6 15 20 15 6 1। अब तुम पूछोगे कि सर ये कर क्या रहे हो आप, तो अब मैं ये बताता हूं, ये मैं कर रहा, दिस इज फर्स्ट रो, आया ना इस साइड से देखेंगे तो फर्स्ट रो, तो ये बन गया आपका 1C1 का वैल्यू, ये क्या है सेकंड रो है, तो ये बन जाएगा 2C0 का वैल्यू, 2C1 का वैल्यू, 2C2 का वैल्यू ठीक है। फिर ये बन जाएगा थर्ड रो है, तो ये 3C0 का वैल्यू, 3C1 का वैल्यू, 3C2
का वैल्यू, 3C3 का वैल्यू, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, मतलब इस तरीके से तुम लोग ये सिक्स तक निकाल रहे हैं, तुम लोग 7, 8, 9, 10 तक निकाल के रखोगे, 10 तक निकाल के रखोगे तो कम से कम 10 तक का कैलकुलेशन तुमको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें बुक के पीछे लिखना, कैलकुलेशन नहीं करना और परफॉर्म करना। और अभी हम लोग ने एग्जांपल में 5C2 देखा था, देखो हाँ, तो ये फर्स्ट रो 5C2 का आंसर तुमने नोट किया होगा, 10 नोट किया होगा ना, राइट? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5C0, 0 से शुरू होती है, 5C0, 5C1, 5C2, ये रहा 5C2, 10, मैंने कैलकुलेट करके लिखा है, और यहाँ पर देखो इजीली अवेलेबल, ठीक है, 5C2 है, 6 है, 7 लोग निकालोगे, 8 निकालोगे, 9 निकालोगे और 10 निकालोगे, ओके, ये है हमारा बर्मुडा स्ट्रैंगल का पार्ट। अब मैं 11 स्टैंडर्ड का पूरा बेसिक चीजें तुम लोगों को रिवाइज कर चुका हूं इस चैप्टर के रिलेटेड जो हमें आना चाहिए था, ठीक है। अब मैं इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर, किस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन का यूज करके एक बाइनोमियल क्रिएट करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन का यूज करके एक बाइनोमियल क्रिएट होता है, दैट इज और उसको मैंने रोल किया, तो क्या क्या आने के चांसेस है, 1 आने के चांसेस है, 2 आने के चांसेस है, 3 आने के चांसेस है, 4 आने के चांसेस है, 5 आने के चांसेस है, चलो बहुत सिंपल 5-6 चांसेस है ना, तो तुम इजीली बोल सकते हो। दो डाइस रोल किया तो भी चतुर्थक हार के तुम लोग दसवीं में पड़े हो, 1-1, 2-2, 3-3 करके उसका 36 का सैंपल बना के रेडी हो। लेकिन अगर 3 डाइस रोल किया, 4 डाइस रोल किया, तब कहां जाओ, तब कहां तुम्हारा व्यू है, ठीक है। तो इस तरीके के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोगों के पास ये चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से मार्क करते हैं पी, ठीक है। तो पी इज कॉल्ड एज ट्रू और सक्सेस इवेंट, क्या लिखते हैं, ट्रू और सक्सेस इवेंट। और हाँ, जो मैं दिखा रहा हूं यहां पर वो लिखो, नहीं पास जा रहा हूं वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर देखो कि मैंने क्या लिखा है, और सबको नोट करो, पहले ये नोटिफिकेशन रहेंगे तो जाके तुम्हें सम सीधे रखने वाले, ठीक है। तो ये है ट्रू, दैट इज कॉल्ड एज सक्सेस इवेंट, और क्यू दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स इवेंट, ठीक है, इनडायरेक्टली फेलियर, और इन दोनों का एडिशन बनता है 1। पहले नोट करो, ये एक तरीके का फॉर्मूला है, पी प्लस क्यू, ये स्मॉल में है, ठीक है, स्मॉल पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर पी इक्वल्स टू हम लोग 1 माइनस क्यू लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस पी लिख सकते हैं। ये मेरा पहला फॉर्मूला एक्सपोज है। कोई भी फॉर्मूला में, कोई भी प्रोबेबिलिटी में दो चीजें होती है, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं हारूंगा। क्रिकेट खेलने जाता हूं तो या तो मैं क्रिकेट में जीतूंगा या तो हारूंगा, ड्रॉ के इवेंट बहुत कम रहते हैं, ठीक है। आजकल तो ड्रॉ भी हुआ तो सुपर ओवर है हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर सक्सेस है प्लस फेलियर है, दोनों को अगर ऐड करें तो जाकर क्या हो जाएगा, 1, दैट इज परफेक्ट, एक इवेंट ऑकर होगा, एक रिजल्ट सामने आएगा। तो सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल्स टू 1, तो p इक्वल्स टू क्या मिला, 1 माइनस q, और q इक्वल्स टू क्या मिला, 1 माइनस p। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नोटिफाई कराने के लिए इन लोगों ने एक फॉर्मूला दे दिया, p कैपिटल x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू mcx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, और ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग पूरा चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले, p कैपिटल x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू mcx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। अब ये फॉर्मूला देखने के बाद तुम लोगों को आगे से ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये है, ठीक है। तो ये इसमें से P और Q तो मैं क्लियर कर चुका हूं, और बच गया ये N, ठीक है। और ये N होगा तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर, कितनी बार डाइस को रोल किया गया। देखो पहली बार मैंने 4 बार 5 बार 6 बार लिखा था, वो हो जाएगा एन का वैल्यू, मीन्स एन इज टोटल इवेंट, पी सक्सेस, क्यू फेलियर, और बच गया हमारा एक्स, और ये हमें दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर
फाइंड, ये है हमारा पी क्वेश्चन, इसी के यहां पर स्मॉल एक्स दिया गया, ठीक है। पी कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस, ठीक है। अब मैं इसके बारे में डेफिनेशन तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद में तुम लोगों ने शायद वो पूरा नोट कर लिया होगा कि कैसे p प्लस q इक्वल्स टू 1 और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज व्हाट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। p कैपिटल x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स m c x p रेस टू x q रेस टू n माइनस, बराबर। तो देखो अब मैं इसको आगे एक्सपैंड करता हूं, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग बाइनोमियल क्वेश्चंस, ठीक है। और ये स्टेप्स तुम लोगों को बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये मेरे थोड़े बहुत इजाद किए हुए हैं, बस हमें इस स्टेप्स के अंदर उस सम को बिठाते रहना, ठीक है। और स्टेप्स के अंदर सम जब बैठ जाएंगे तब वो पूरा सम बस स्टेप्स को फॉलो करें। तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहले लेट यहां पर इस बाइनोमियल ऑफ, यहां पर क्या आएगा क्वेश्चन। स्टेप नंबर टू, डिटरमाइन एन पी एंड क्यू। स्टेप नंबर थ्री, लेट एक्स सिमिलर टू बी एन कमा पी। यहां पर कुछ देख के ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है, ये ऐसे के ऐसे लिखने वाला है, यहां पे एन और पी का वैल्यू, ठीक है। स्टेप नंबर फोर, सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ एक्स, ठीक है। तो सब लोग ये स्टेप नोट करो और इसी स्टेप के मुताबिक हम लोग हर एक सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वापस मैं रिवाइज कराता हूं कि हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पी कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, और ये है हमारे स्टेप्स। तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन का सबसे पहला वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, और हम नेक्स्ट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो काफी बड़ा है, 4-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हर क्वेश्चन के एक एक हिस्से को मैं एक वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ए डाई इज थ्रोन, ए डाई इज थ्रोन 6 times if getting an odd number is success, find probability of 5 first one 5 success second one at least 5 success third one at most 5 success, ठीक है। तो देखो सक्सेस की बात हो गई, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, ए डाई क्वेश्चन का मतलब, ए डाई मतलब एक बार डाइस को फेंका गया, तो डाइस को फेंकेंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर, 7 तो नहीं आएगा ना, तो इसके अंदर इवन नंबर कौन से कौन से, 2, 4, 6 इवन नंबर है और 1, 3, 5 हमारा क्या है ऑड नंबर है, राइट। तो ऑड नंबर्स को अगर हम लुक करें तो ऑड पे देखना है, ऑड नंबर इज सक्सेस, मतलब ऑड नंबर आया तो मैं जीतूंगा, ठीक है। तो हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते देखेंगे, लेट, ठीक है, डैश किया था मैंने, क्या लिखा था क्वेश्चन लिखा था, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, लेट करके क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन वहां पर मार्क करें डिस्टेंस में, राइट। तो देखो लेट डाई इज थ्रोन सिक्स टाइम्स गेटिंग एंड ऑड नंबर इज। देखा कहां तक कॉपी किया, फाइनल के पहले वाला पार्ट मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब स्टेप नंबर टू में क्या किया था हमने, डिटरमाइन एन पी एंड क्यू। तो एन सिक्स टाइम्स दिया हुआ, एन इक्वल्स टू सिक्स हो गया, राइट। तो अब मुझे पी डिटरमाइन करना है, राइट। और पी मतलब क्या मैंने बोला था, सक्सेस प्रोबेबिलिटी, सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल्स टू वन। तो अगर मेरा और तुम लोगों का गेम चले, एक डाइस में फेंक रहा हूं, ठीक है, और मैंने बोला कि इवन नंबर पे मैं जीतूंगा और ऑड नंबर पे तुम जीतोगे, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है हम दोनों के जीतने की, छह है, मतलब तीन इवन नंबर है तीन ऑड नंबर है, मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी मेरे पास है हाफ प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास है। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। समझ में आया पी की वैल्यू क्यों हाफ हुई, क्योंकि अगर टॉस भी करते हैं तो हेड और टेल दो ऑप्शन रहता है, तो हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तो तुम जीते, तो हाफ मेरा चांस है हाफ तुम्हारा चांस है। उसी तरीके से इवन नंबर मेरा चांस है ऑड नंबर तुम्हारा चांस है, तो p इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ हो गया। अब q मैंने क्या लिखा था फार्मूला, 1 माइनस p, तो 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ करेंगे तो आप 1 से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा। तो n का वैल्यू आ गया, p और q का वैल्यू आ गया। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम लोग लिखा था x सिमिलर टू p n कमा p, दैट इज x similar to b, n का वैल्यू कितना है देखो 6, और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना है, ठीक है। और अब हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो नहीं लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है 5 सक्सेस, ठीक है। तो देखो 5 सक्सेस क्या है, 5 सक्सेस मतलब हम अभी सीधा सीधा फॉर्मूला पे अप्लाई करके p कैपिटल x इक्वल्स टू स्मॉल x lcx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। तो बिठाओ p x इक्वल्स टू स्मॉल x के जगह पर 5, ये मैंने बताया था कि x का मतलब क्वेश्चन होने वाला है, तो याद क्या करो मैंने लिखा था 2 5, तो x इक्वल्स टू 5 हो गया, इक्वल्स टू n का वैल्यू 6c5, p का वैल्यू 1/2, बराबर x का वैल्यू 5 1/2, ठीक है। n का वैल्यू क्या था हमारा 6 - 5, बराबर। तो 65 मैंने कॉम्बिनेशन निकालना सिखाया था, 6 factorial by 5 factorial, 6 - 5 factorial कितना हो गया 1 factorial, 1/5 power, 1 ही रहने वाला है, 1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करो तो 2^5 × 1/2, 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, तो 6 factorial, इसको चलाते हैं, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 by 5 factorial को चलाते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 into 1/2 5, 2 × 2 × 2 × 3 × 4 × 5 × 1/2, 2 to 1 is, और याद रखे any number raised to 0 is 1, ठीक है, और 3 raised to 1 3 होता है, कोई भी पावर के ऊपर 0 रहा तो वो 1, ठीक है। तो चलो कट करते 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 कट गया, बराबर। और यहां पर एक 2 को एक 6 के साथ लेके जा रहा हूं, तो बचा क्या 3, बराबर। और कितना 2 बचा, 1 2 3 4 5, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 6 16 to the 32, तो 33/32 आया। तो तुम लोग 32 को 3 से डिवाइड करो, 0.30 आया, नंबर छोटा है, तो करो फिर डिवाइड करके दो डिजिट निकाल कर इसका आंसर पर, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा पी फर्स्ट 5 सक्सेस का आंसर, क्लियर एवरीवन। तो अब मैं इसका सेकंड पार्ट का आंसर देता हूं, बिकॉज दैट इज एट लीस्ट 5 सक्सेस, ठीक है। अब 5 फर्स्ट वाला हो गया 5 सक्सेस, इसको कॉपी कर लो। अब मैं सेकंड पार्ट पे जाता हूं, दैट इज एट लीस्ट 5 सक्सेस, ठीक है। तो सब लोग इस
फाइव सेंसेस। मैंने बोला कि भाई कल पार्टी, ठीक है, तो पार्टी में तुम लोग 20 रुपए लेके आना, ठीक है, कम हो गया ना, कम, लेकिन 20 रुपए लेके आना, कम से कम 20 रुपए लेके आना, ठीक है। अब मैंने वर्ड का यूज किया यहाँ पे कम से कम 20 रुपया, तो कम से कम 20 रुपया लेंगे तो हर एक का अपना एक ओपिनियन रहेगा, ठीक है। कुछ लोग रहेंगे जो सिर्फ 20 रुपया लेके आएंगे, ठीक है, उनको तो और ज्यादा खाने से मतलब नहीं। कुछ रहेंगे दिलदार आदमी 20 रुपया, ठीक है, कुछ को और खर्चा करना है तो 100 का नोट लेके आएगा, ठीक है, तो जो 100 का नोट आएगा वो फंसने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो दो चार और एक्स्ट्रा बनने वाला है, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब 20 या 20 से ज्यादा। तो यहां पर एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब 5 या 5 से ज्यादा, ठीक है ना। तो 5 या 5 से ज्यादा मतलब हम लोग किसके फाइंड आउट करने हैं, x का वैल्यू दो चीज ले लेंगे, 5 एंड 6, 5 एंड 6, 5 या 5 से ज्यादा, 5 भी पकड़ा और 6 भी पकड़ा, 20 रुपया भी ला सकते हो, उससे ज्यादा भी ला सकते हो। अब तुम बोलोगे कि सर 7 क्यों नहीं लाए, 7 क्यों नहीं लिया हमने, 5 से ऊपर भी 7 तो भी है, तो 7 क्यों इससे नहीं हुआ, क्योंकि डाई को कितनी बार थ्रो किया हुआ है, 6 टाइम से थ्रो किया हुआ है, तो 6 से ज्यादा होने से रहा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5 और 6। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे px equals to 5 plus px equals to 6, ठीक है। अब ये दोनों आंसर को कंबाइन करेंगे, तो px equals to 5 और x equals to 6 फॉर्मूला में डालते हैं, तो फॉर्मूला में देखो क्या बनेगा, px equals to 5 और px equals to 6 में ये दोनों फॉर्मूला में कैसे चेंजेस आएंगे, फॉर्मूला में वही रहने वाला है, बस कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, mcx p raise to x q raise to n minus x, दोनों का फॉर्मूला ये है, mcx p raise to x q raise to n minus x plus mcx p raise to x q raise to n minus x, ठीक है। देखो क्या क्या होने वाला है, 6c5 half raise to 5 half raise to 6 minus 1 plus 6c6 half raise to 6 half raise to 6 minus 6, समझ क्या हुआ। तो अब इसको सॉल्व करें, 65, ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल में देख लो, क्योंकि मैंने स्टार्ट में 65 सिखाया हूं, 65 का आंसर आने वाला है 6, ये बनेगा 1/2 raise to 5, ये बनेगा 1/2 raise to 1 प्लस 66 1/2 raise to 6 और हाफ रेस टू 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, तो कोई भी नंबर का पावर कितना हो गया 0 पावर का है तो आंसर हो जाता है बराबर। अब देखो ध्यान से, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/2 raise to 6 ये 5 और इधर एक रूट 2 है और ये क्या बन गया 1 इंटू 1/2 raise to 6 बराबर। अब इन दोनों में से मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1/2 raise to 6 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचने वाला है 6 plus 1, करेक्ट कि नहीं, तो 6 प्लस 1 और 1/2 raise to 6 तो 7/2 raise to 6, करेक्ट। तो ये फाइनली बनेगा 7/2 raise to 6 को सॉल्व करते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, 7/64 पॉइंट में स्टैंड निकालो और तुम्हारा एटलीस्ट 5 सक्सेस का आंसर आ, ठीक है। तो अब हमारे ये दो पार्ट हमने सॉल्व किया, ये तीन क्वेश्चन है एक्चुअली, इसी तरीके से एग्जाम में एक्चुअली दो ही क्वेश्चन आते, या तो ये दो आएंगे या तो ये दो आएंगे या तो ये दो आएंगे, और आप इसका क्या बोले, अगर पेपर इजी सेट होना होगा तो ये दो या ये दो आएंगे, और अगर तुम्हारा नसीब खराब है टफ सेट होना है तो ये दो, एटलीस्ट 5 सक्सेस और एटमोस्ट 5 सक्सेस, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट एटमोस्ट 5 सक्सेस वाला मैं इसी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहा या कुछ रहा तो पर्सनल कॉल करो।